Hey guys, welcome back to my channel, प्राची नीलेश स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही गुणकारी फल के बारे में बात करूंगी। ये फल सर्दियों में खाया जाता है और जिस फल के बारे में मैं बात करूंगी वो गुड़ों की खान है। तो अगर आप इस गुड़ों की खान से अपने हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स पाना चाहते हैं और बहुत अपने शरीर को जो है एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा चाहते हैं कि आपके शरीर में एक तंदुरुस्ती बनी रहे, हमेशा आप एनर्जेटिक फील करें, कभी भी आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये फल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जिस फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है खजूर, जिसको इंग्लिश में डेट्स भी कहा जाता है। कुछ जगह इसे पिंक खजूर के नाम से भी जाना जाता है। ये खजूर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसका लाभ आप भी उठा सकते हैं, लेकिन लाभ उठाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे खाना है, कितना खाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अति से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको कोई लाभ नहीं देगा बल्कि आपको नुकसान ही पहुँचा के जाएगा। तो इसलिए आप अगर बेनिफिट पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और इसे आपको खाना कैसे है। अगर आपको बेनिफिट पता है और खाने का तरीका ही पता नहीं है तो आपका बेनिफिट जान के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खाने का इसका तरीका क्या है और किन लोगों को कितनी क्वांटिटी में इस खजूर का जो है वो सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि खजूर में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है। खजूर में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, पोटाशियम, आयरन, फैटी एसिड्स, प्रोटीन। ये सारी चीज़ें एक छोटे से दिखने वाले फल जो है खजूर में होता है। खजूर आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें पोटाशियम एंड मैग्नीशियम होता है जो कि आपके दिल की जो धड़कन है उसको अच्छे से मजबूती देता है, आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपके शरीर में बीपी को कंट्रोल करता है। ये खजूर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है आपके शरीर के लिए। चूँकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है तो ये खजूर जो है आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से भी बचाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको खजूर का ज़रूर सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है तो वो आपके जो मोशन है उसको अच्छे से पास आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये खजूर आपके वेट को मैनेज करता है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको जो है एक बैलेंस्ड वेट प्रोवाइड करता है। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपके वेट को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ये खजूर जो है आपका वेट ना होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट जो है उतना रहने में खजूर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होता है तो ये जो है वेट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है करता है। खजूर आपके खून की कमी को भी पूरा करता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए खजूर जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है अपनी एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। खजूर में विटामिन B6 होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपके ब्रेन को हमेशा ही एक्टिव रखता है और आपके ब्रेन को कभी भी थकान महसूस नहीं होने देता। खजूर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जो कि आपकी बढ़ती उम्र है उसको धीरे धीरे ये जो है कंट्रोल में रखता है ताकि आपके चेहरे से आपकी बढ़ती हुई उम्र जो है नज़र ना आए। खजूर में बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? आपके शरीर को फ्री रेडिकल से बचाना। यही कारण है कि आपके शरीर में जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र जो है बढ़ते जाती है तो आपके फेस पे रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं, एक झुर्री सी पड़ती है आपकी, आपके फेस पे आपकी एजिंग जो है झलकने लग जाती है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता लगे तो आपको खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये खजूर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आज के समय में जहाँ आसपास इतनी बीमारियाँ घिरी हुई है तो हम उन बीमारियों को रोक नहीं सकते, उन बीमारियों का जो फैलना है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे बस में है कि हम अपने शरीर में ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर को ऐसी शक्तियाँ दें जो कि हमें उस बीमारियों से लड़ने का जो है हिम्मत प्रदान करें, हमारे शरीर को उतनी शक्ति दे। तो ये खजूर आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये सब बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
जिन लोगों को हमेशा थकान रहती है, हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में तो कोई एनर्जी ही नहीं है, हमेशा एनर्जी डाउन रहती है, हमेशा लेजी फील करते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता, तो ऐसे लोगों को खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खजूर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, तो इसलिए ये खजूर बहुत ज़्यादा अच्छा है। खजूर में कैल्शियम बहुत अच्छा खासा अमाउंट में होता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनको गाठिया की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट पेन रहता है, जिनको मसल में पेन रहता है, उनको खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही जिन बच्चों के दांत जो है अच्छे से नहीं आते हैं, दांतों में जल्दी कीड़े लग जाते हैं, दांतों का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनको भी खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खजूर में विटामिन ए बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, इसलिए जिन लोगों को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको दिखाई कम देता है, जिनको आँखों में इचिंग होती है, या फिर जिनको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम है, उनको खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको खजूर का सेवन हमेशा अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। आपको खजूर अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं उनको खजूर ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले हमने बात किया था कि ये खजूर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देता है, तो ये जो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, अगर वो खजूर खाएंगे तो इतनी जल्दी जल्दी वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनको भी खजूर का सेवन करना चाहिए, ये खजूर उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया खजूर के बेनिफिट्स के बारे में। ये बेनिफिट्स उठाने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितने अमाउंट में खजूर खाना चाहिए और किस तरीके से इसका जो है सेवन करना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किन एज ग्रुप के बच्चों को या किन एज ग्रुप के लोगों को खजूर कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको खजूर कितनी क्वांटिटी में खाना है। अगर बच्चे हैं 6 से 13 साल के बच्चों को दिन में 2 खजूर, 13 साल से 18 साल के बच्चों को दिन में 3 खजूर, और 18 साल से जो ऊपर हैं, जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की, उनको दिन में 3 खजूर, और सेम 18 साल से ऊपर जो जेंट्स हैं उनको दिन में 4 खजूर, इतना ही आपको इस क्वांटिटी में खजूर जो है खाना चाहिए। अब बात आती है खजूर को खाना कैसे है। या तो आप चाहे तो खजूर को नॉर्मल खा सकते हैं, या फिर अगर आप खजूर का 100% बेनिफिट चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको खजूर को खाना है। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लीजिए आप, उसको गैस में जो है बॉईल करने के लिए रख दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इस दूध में जितनी क्वांटिटी मैंने बताया है उतनी क्वांटिटी में खजूर डाल दीजिए। इट मीन्स अगर आप एडल्ट हैं और जेंट्स हैं तो 4 खजूर आप उस दूध में डाल दीजिए। अब मीडियम फ्लेम में आपको जो है इस दूध को 15 से 17 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। 15 से 17 मिनट के बाद आप जब दूध पीने लायक हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको पी लेना है और खजूर को जो है खा लेना है। इस तरीके से अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो खजूर का जो 100% बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो गाइस, ये तो था मेरा हेल्थ के ऊपर एक और वीडियो। अब तक मैं आप लोगों के लिए 100 वीडियो बना चुकी हूँ, इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, टिल देन बाय बाय।